नमस्कार दोस्तों, BW कैंपस में आपका स्वागत है। आज BW कैंपस आप सबके लिए लेके आया है AU BSC एंट्रेंस एग्जाम 2020। तो आप थंबनेल देख के जान ही गए होंगे कि आज मैं किस चीज की बात करने चल रहा हूँ। तो आज मैं बात करने चल रहा हूँ AU BSC एंट्रेंस की। चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं AU के बारे में। AU का हम एग्जाम पैटर्न की पहले बात करते हैं। एग्जाम पैटर्न जो होता है वो ऑफलाइन बेस CBT, ये आपके ऊपर है। आप पेपर किस में देना चाहते हैं, आप कंप्यूटर बेस देना चाहते हैं पेपर या ऑफलाइन पेन पे पेपर्स बेस देना चाहते हैं। आप फॉर्म भरते समय ये सेलेक्ट कर लेना कि आपको किस मोड में पेपर देना है। अगर आपको ऑफलाइन देना है तो आप ऑफलाइन भरिएगा, अगर CBT बेस देना है तो CBT ऑप्शन टिक कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम बात करते हैं पेपर लैंग्वेज की। तो पेपर लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों होती है, ताकि किसी भी बोर्ड की स्टूडेंट आप हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, ICSE बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो, आप इजीली से AU का BSC पेपर्स अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं टाइम ड्यूरेशन की। तो जो हमारा पेपर्स होता है उसकी टाइम ड्यूरेशन होती है 120 मिनट, 2 आवर्स। आपको 2 आवर्स में 150 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना रहता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम मार्किंग की। तो मार्किंग जो होती है, यहाँ पर एक क्वेश्चन का 2 नंबर्स होता है। आप अगर एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 2 नंबर प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप अगर क्वेश्चन गलत भी करते हैं तो उसके मार्क्स आपसे नहीं काटे जाएंगे। दोस्तों इस चीज का आप भय निकाल दीजिए, गलत क्वेश्चन करने पर आपके मार्क्स कटेंगे। AU में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, आप 10+2 या तो पास हो या फिर 12th में हो, अपीयर हो, तब भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। दोस्तों एक चीज आप याद रखिएगा, अगर आपका ईयर गैप है तो एक ईयर गैप के लिए 5% मार्क्स आपके एंट्रेंस एग्जाम से काट लिए जाएंगे, और मैक्सिमम 15% कटता है अगर आपके 3 ईयर्स गैप होते हैं 12th के बाद, अगर आप AU BSC का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं आगे सिलेबस की बात करते हैं। दोस्तों सिलेबस हमारा 5 सेक्शन में डिवाइड है। तो पहला सेक्शन होता है इंग्लिश, जनरल इंग्लिश और हिंदी। जनरल इंग्लिश और हिंदी में आप अगर इंग्लिश का पेपर अटेम्प्ट करना चाहें तो इंग्लिश के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, अगर आप हिंदी का अटेम्प्ट करना चाहें तो हिंदी का अटेम्प्ट, ये आपके ऊपर है आप कौन सा क्वेश्चन करना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करते हैं दूसरे सेक्शन की, जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस क्या होता है दोस्तों, बेसिक्स इंफॉर्मेशन होती है जो हमारे न्यूज में होते हैं, करंट अफेयर होता है, यही होता है हमारा जनरल अवेयरनेस। उसे कितने क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन। दोस्तों आगे बढ़ते हैं आपके इंटरमीडिएट का सिलेबस पे, जो होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। यहाँ से एक सेक्शन में 40 क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। अब टोटल जो पेपर्स होता है वो पेपर्स होता है 150 क्वेश्चन का, 150 क्वेश्चन आपके पेपर्स में आते हैं। एक क्वेश्चन होता है 2 मार्क्स का, टोटल मार्क्स होते हैं 300। दोस्तों AU में आपको अगर एडमिशन पाना है तो आपको याद रखना होगा, कम से कम आपको 200 मार्क्स लाने हैं। अगर आपको AU में एक सीट चाहिए तो आपको 200 मार्क्स चाहिए। तो याद रखिए दोस्तों, आपको क्वेश्चंस कितने करने पड़ जाएंगे, आपको क्वेश्चन करना पड़ जाएगा 100 to 105 क्वेश्चंस। 105 क्वेश्चन अगर आप कर लिए तो आप श्योर हो कि आपको एक सीट AU में मिल जाएगी। दोस्तों आपको AU से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर जाइए, और वहाँ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए आप हमें मैसेज करिए, आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ लिया जाएगा, और वहाँ पर आपको AU BSC से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है आपको प्रोवाइड कर दिए। आप AU एंट्रेंस के BSC के सीट के लिए मत घबराइए, आपको सारी इंफॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है दोस्तों, आपको AU का सिलेबस भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, BW कैंपस को पे आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।